Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and Alhamdulillah हम भी खैरियत से है. So yes, मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ पे. एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है बट मैं फेस अभी दिखा रही हूँ. अभी स्टार्ट हो रहा है. मैं पुराना ब्लॉग नहीं ऐड करूँगी, छोड़ो. सो आई होप आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा. सो बहुत दिन से एक्टिव नहीं थी, अब एक्टिव रहूँगी इंशाल्लाह बिकॉज यू ऑल नो शिफ्टिंग एंड एवरी थिंग. तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं टाउन क्योंकि मुझे अपने ब्रांड के कुछ पैकेजिंग एसेसरीज लेने हैं. मैं और मम्मी जा रहे हैं क्योंकि मैं अकेले इतना हैवी नहीं उठा सकती हूँ और थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि तो कुछ शॉपिंग भी कर के लिए. सो यस, स्टे आई एम ऑल सेट एंड गुड टू गो. एंड हियर आर माई न्यू सन ग्लासेस जो मैंने रिसेंटली अमेजोन से ऑर्डर किया है. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया. और मैं इतनी पागल हूँ कि मैं फ़ैन ऑफ करके खड़ी हूँ और बहुत फ़ोन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा है. मेमोरी फुल हो चुकी थी तो वीडियो पॉज हो गया, तो मैंने बैठ के पूरा मेमोरी खाली किया, सिस्टम मेमोरी एंड एवरीथिंग. हेयर फॉल. सो यस गाइस, अभी हम निकलने वाले हैं. मम्मी कहे, मम्मी आओगी? वो के चोटी बांध ली है क्योंकि ट्रेन से जा रहे और ट्रेन में बाल्टी बैंड बच जाती है, वहाँ जाके ओपन कर लेंगे. क्या जा रहे हैं. और दूसरी चीज़ मैं और दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने ये बैग एसबेडा से लिया था, 3-4 महीना हुआ है. और इसके आगे एसबेडा का लोगो वाला चेन था विथ एसबेडा का लोगो और मम्मी ने तोड़ दिया. इसकी चेन भी फेंक देनी चाहिए सोच के है? कुछ तो है. हाँ, शर्म नहीं आती आपको मेरी चीज़ें फेंकते हुए? अगर वो रखी होती तो एसबेडा वालों का 1 ईयर का वारंटी रहता, वो लगा के देते हैं, मगर नहीं, इन्होंने तो तोड़ दिया. हाँ, इन्होंने उसका खाली लोगो संभाल के रखा है, चेन तो तोड़ दिया है. तो लोगों से वो लोग क्या करेंगे, लोगों से लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है, उनको तो चेन चाहिए ना लगाने. तो अभी हम बर्फ ले चुके. ये कैसे लिया आपने, ये तो शेक ही नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, आपका फ़ोन दो. नहीं, आपका फ़ोन दे दो और वहाँ मैंने छुट्टे रखे वो दे दो. कहीं भी निकलने के पहले मेरे को पहले अपना बैग सेट करना पड़ता है, दिखना पड़ता है क्या है क्या नहीं. दो चाबी है उसमें, एक दे दो. दो मेरे पर्स में है, मैं दो चाबी लेके चलती चलती हूँ. वो है देख लेना तो कहीं कोई नहीं. अरे दे दो ना, चाबी घर पे छोड़ के क्या मतलब. अलग अलग ये मेरा हुक्के का चिमटा है, फेंक मत देना. बैग पैक हो चुका है. चप्पल क्या पहनू, हील पहनूंगी तो कंटेनर लेके इतना चलूंगी कैसे. स्लीपर पहन ले रही मैं सादा, किसको देखना है. अरे छोड़ो, देखना किसको है. तो इतना बन ठन के मैं बाथरूम चप्पल पहन के जा, बाथरूम नहीं स्लीपर पहन के जा रही हूँ क्योंकि चलना बहुत है, हमको चलना बहुत है एंड यही कंफर्टेबल रहता है. आप ये पिंक पहन लो, ये हम लोग ने अजमेर से लाए थे, आज तक लेबल भी नहीं निकाले उसका. जा रहे हैं नीचे. सो आई एम सुपर डुपर रेडी टू गो. सही लग रहा है. तो अभी हम रिक्शा पकड़ के जाएंगे स्टेशन. स्टेशन रुको भैया, चलो चले गए थे, बोले बहुत ज़्यादा धूप है इधर, मैं नहीं बैठूंगी. फिर क्या करें, बैठना तो पड़ेगा. एक ट्रेन आई थी जो कि हमारी छूट चुकी है. अरे छाई
कि मम्मी इनके प्लॉट देख रही है, लगता है मम्मी दो चार बंगले खरीदने वाली है ना, इंशाल्लाह बहुत पैसा है, लूंगी इंशाल्लाह बोल रही है। चाहिए पानी? नहीं नहीं तेरे को नहीं, बर्फ है खाली। तो हम मस्जिद बंदर स्टेशन उतर चुके हैं और अब हम चल के जाएंगे। जा मुझे जाना है, मेरी नानी एक छोटा बच्चा लेके चली गई है। ये मेरा बच्चा है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। ये देखो हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है क्योंकि मम्मी रोड पे अगर चलेंगे ना तो ऐसे चलती है, नहीं तो ऐसे चलती, सीधा नहीं चलती। सब सोचता है ना, कबाब जल रहा है, भजिया जल रहा है, चाय वाला कहाँ मिलेगा यार? वो बोला तो सामने कहाँ दिख रहा है चाय? नहीं है यार चाय वाला तो। अभी भी मैं, अभी ये बंदा जो है ना, मम्मी एक डबल कप करके दो ना, पकड़ो जल्दी। यहाँ पे बहुत भीड़ थी इसलिए मैं स्कूटी पे आके बैठ गई चाय, तो मैं चाय तो पी रही हूँ लेकिन कहीं ये बाइक वाला आके मुझे उठा के मेरी बेइज्जती ना कर दे। कंटेनर इतने ज़्यादा वजन हो चुके हैं कि हमें कुछ और लेने का मौका नहीं मिला, तो हमने टैक्सी की डायरेक्ट CST स्टेशन का, और जो भी मुझे बाकी का सामान लेना है मुझे अब वाशी से ही लेना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम घर जाएंगे, वहाँ से हम वाशी चले जाएंगे, वहाँ से देखेंगे जो भी लेना। और मम्मी तो चीज़ें देख देख के, मम्मी के मुँह से राल टपक रही है, ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन हमने लिया सिर्फ कंटेनर और कुछ भी नहीं लिया है। इसलिए लेके बैठे एक मैं लेके बैठी हूँ, एक मेरे पैरों में गिरी पड़ी है और ये बबल जा रहा है। वाह कौन डाला मेरे मुँह पर? नहीं डाला। और ये सारे पनवेल के ट्रेन में चढ़ेंगे, हम नहीं चढ़ रहे क्योंकि बहुत रश है यहाँ। अब मचेगी भगदड़, देखो बोली थी ना मैंने मचेगी भगदड़। उतरने नहीं देते, है ना कितनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, मैं 20-25 बार छींक चुकी हूँ 2 मिनट में, और मुझे मेरे को सही नहीं मिल रहा। आप देखते हैं यहाँ ले लिया मैंने वजन नहीं, खाली हम लोग सन पड़े थे फाइनली। अंकल लिविंग रूम के हिसाब से देखो, हम आए थे यहाँ से चकली लेने, बहुत डिलीशियस। सब देखेंगे, सबको लगेगा कोरोना में। वो रखने का भी यहीं से लेकर आए थे, अभी बर्तन के दुकान पे हल्दी मिर्ची का डब्बा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं, बैंड बज चुकी है और पानी भी आ गया, तो हमें जल्दी जल्दी जा रहे पानी भरने एंड देन फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है एंड हमने चेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अनुपमा देखते। ओ माय गॉड, हॉल का फैन चालू है। आर यू कर दिया, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है मुझे। व्लॉग है, मैं मेरी मामी का फोन लगा रही। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोनी। वालेकुम अस्सलाम। और इफ्रा कहाँ है? इफ्रा तो स्कूल गई। स्कूल गई है, अच्छा है ना, तो उनको ज़्यादा ढीला था। अच्छा अच्छा मोनी, अफ्रीका पता है आपको कहाँ है? अफ्रीका? अफ्रीका हाँ पता है ना। हाँ दक्षिण अफ्रीका है, एक साउथ अफ्रीका है। अच्छा तो एक बात बताओ, अफ्रीका में जब बच्चे पैदा होते तो उनके दांत का कलर क्या होता है? हमको नहीं मालूम। बच्चे होते हैं तो दांत कहाँ होता है? सही बात। मम्मी को मैंने कलर तो नहीं मालूम,
लेकिन जो है बच्चे जब पैदा होते हैं नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती है कि सफेद होते। बात बताओ, एक सवाल है, वहाँ के जब बच्चे पैदा होते तो उनके दांत का कलर क्या होता होगा? तो ये बता, तू पारी गएगा जुम्मे के दिन जरा कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। नहीं बता, मैं पढ़ लूंगी, पहले तुम जवाब दो। नहीं तुम जवाब दो तो, कौन से कलर के दांत होते होंगे बता? दांत सबके वाइट ही रहते पूरी दुनिया में हर एक इंसान के। अच्छा एक बात बता, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कैसे पैदा होता है? मैंने पूछा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कौन से कलर के रहते? मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती व्हाइट कलर के रहते क्योंकि उन लोग काले पैदा होते, काले पैदा होते। मैंने एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता तो उसके दांत रहते। जुमा मुबारक आप सभी को, दुआ में याद रखिएगा। मैं बता नहीं पाई, मैं टाउन से ये सारे कंटेनर्स लाई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कंटेनर्स है कैसे। तो ये अंदर से ऐसा है, खुला डालोगी क्या? हाँ, एंड कैप लगा के ऐसा दिखता है, गोल्डन कैप वाला। ये है 20 ग्राम्स का जार, जो कि मैं सेल भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये बाई कर सकते हैं। अगर आप बल्क में लेंगे 100 पीसेस या 200 पीसेस तो ये आपको पड़ेगा 42 रुपीस इंक्लूडिंग GST। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ये अभी, हमारे प्यारे प्यारे कंटेनर्स। तो मैं इसे, ये ऑर्डर्स के हैं तो मुझे इसमें पैक करके भेजना है इसे। सेट कैसे यहाँ जुगाड़ लगा रही है पैक में। अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुका है। अब मैंने मंगाया डंजो से टेप, ये जो हम नॉर्मल क्रीम जिसमें सेल करते हैं, ये कंटेनर्स भी है हमारे पास। ये 14 रुपीस का एक पड़ेगा आपको। ये आता है विथ टॉप अप एंड कैप, आपको डालना पड़ेगा उसमें क्योंकि ये थैली फाड़ दी मैंने। सो यस, अगर अब ये आपको चाहिए तो आपको 14 रुपीस का एक पड़ेगा। ये कंटेनर जिसमें मैं नॉर्मली अपनी क्रीम पैक करके सेल करती हूँ। सो यस, आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये भी चाहिए तो। कल मैंने वॉच भी लाई थी तो मैं ये फ़िलहाल मैं ये हॉल में लगाऊंगी, और जो हॉल वाली है वो रूम में लगाऊंगी क्योंकि मेरे रूम के इंटीरियर से मैच कर रही है। और ये हॉल में लगाऊंगी तो कैसी वॉच है क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मेरे होम टूर में बताऊंगी। 15 साल पुराना सुई धागे का डब्बा, ये कलम खरीद के लाए हैं न्यू, तभी मैं इससे इसमें ट्रांसफ़र करने जा रही सारे सामान। हो चुका है और यहाँ पे हमने सारी सुइयाँ छाट के बस इतना रखा है, और ये कम से कम 25-30 सुई मैंने फेंक चुकी हूँ। इलास्टिक रखो ना, इसी में रखो ना इलास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये डब्बा हम फेंक देंगे, और इसे हम रख लेंगे। अब इसमें हमें सुई डालनी पड़ेगी, व्हील डालनी पड़ेगी, बहुत कुछ इधर डालनी पड़ेगी।